नमस्कार दोस्तों, सरकारी सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीडीएस एग्जाम करंट अफेयर्स की पूरी स्ट्रेटेजी देखेंगे और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको बिगिनिंग से कैसी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ताकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओ। एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि सीडीएस एग्जाम में करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और सीडीएस का जो सीडीएस 1 2018 का अटेम्प्ट था उस अटेम्प्ट से आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के ऊपर आप देख सकते हो और आने वाले टाइम में करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ने ही वाला है, तो डेफिनेटली आप करंट अफेयर्स को निगलेक्ट बिल्कुल भी ना करें। यूपीएससी के सिविल सर्विसेज पेपर का जो पैटर्न था उसमें भी यही चेंज 2015 में आया था। मतलब जनरल स्टडीज के पेपर में धीरे धीरे उन्होंने करंट अफेयर्स का पार्ट बहुत ज्यादा इंक्लूड करना शुरू किया, तो आपको भी अभी करंट अफेयर्स को एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना होगा और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के तहत उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी हम शुरू करेंगे। सीडीएस एग्जाम करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन आपकी 3 स्टेजेस में होनी चाहिए। सबसे पहले स्टेज में होगा हिंदू पेपर का एडिटोरियल रीडिंग। जब आपके पास 7 से 8 महीने का टाइम होता है तब आप शुरू करेंगे हिंदू पेपर के एडिटोरियल पढ़ने से। उसके बाद जब आपके पास सिर्फ 3 से 4 महीने का टाइम बचा हुआ होता है तो आती है आपकी सेकंड स्टेज, जिसमें आपको किसी भी मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन से पढ़ाई करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव सक्सेस रिव्यू, और आपको कवर करने पड़ेगा मिनिमम 8 months बिफोर एग्जामिनेशन। दोस्तों आप ज्यादा करोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन मिनिमम 8 months के करंट अफेयर्स की जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए। अब बात करेंगे थर्ड स्टेज के बारे में, जो आपके करंट अफेयर्स प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा क्रूशियल है। मतलब लास्ट 1 month में आपको करंट अफेयर्स की किस तरीके से पढ़ाई करनी होगी। दोस्तों आपको मैं बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी दूंगा। मार्केट में दिशा क्वार्टरली करंट अफेयर्स नाम का एक बुक आता है जिसमें 3 months का करंट अफेयर्स कंपाइलेशन होता है। मतलब ऐसी 3 books आपको लेनी पड़ेगी जिसमें एग्जाम अटेम्प्ट से 9 months पहले का करंट अफेयर्स आपके पास होगा। इस बुक में बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने कंपाइलेशन दिया है और 3 महीने में पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में या फिर कहीं पर भी अगर कोई बड़ा इवेंट हुआ होगा तो वो उस बुक में उन्होंने इंक्लूड किया है और उसमें सफिशियंट स्टैटिक डाटा भी उन्होंने दिया है। तो पिछले 3 quarterly करंट अफेयर्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। दोस्तों इन बुक्स की कॉस्ट बहुत ही कम है क्योंकि ये पूरे करंट अफेयर्स का समरी की तरह है, लेकिन ये बुक आपको किस तरीके से पढ़ना है ये मैं आपको आने वाले 5 points में बताऊंगा, तो वो आपको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट, पिकअप इंपॉर्टेंट इश्यूज और इवेंट्स एंड रीड देम इन डिटेल। मतलब आपको इस बुक में उस करंट अफेयर्स की एक बेसिक समरी मिलेगी और बेसिक स्टैटिक डाटा मिलेगा। आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इश्यू आपसे उठाना पड़ेगा और उसकी डिटेल एनालिसिस आपको करना पड़ेगा और डिटेल पढ़ाई करके आपको नोट्स बनानी पड़ेगी। मतलब सिर्फ उस बुक के ऊपर आपको रिलाय नहीं होना, उससे आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चूज करना है, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर मंथली करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो ऐसा हो सकता है कि कोई आपकी इंपॉर्टेंट इवेंट मिस हो जाए, तो वही इवेंट आपको इस बुक से मिल जाएगी। वो बुक इवेंट आपको उठानी है और उसके बारे में जनरल ओवरव्यू, मतलब जनरल स्टडी आपको उस टॉपिक के ऊपर करनी पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट, डोंट जस्ट लर्न करंट अफेयर्स, एनालाइज इट। दोस्तों इस बुक में आपको पूरा स्टैटिक डाटा मिलेगा और बहुत ही फैक्ट्स और नंबर्स आपको मिलेंगे, तो आपको उसका रट्टा नहीं मारना, आपको वो एक बार पढ़ना होगा और उसके बाद वो एनालाइज करके उसके आजू बाजू के न्यूज भी आपको उठाने पड़ेंगे। इसके लिए आपको प्रीवियस अटेम्प्ट का एक क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा और उसमें करंट अफेयर्स के किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो आपको देखना पड़ेगा, जिससे होगा क्या कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा में पढ़नी पड़ेगी ये आपको समझ में आएगा। लेकिन रट्टा मत मारना, क्योंकि इसमें पूरा आपको डिटेल्स मिलेंगे और रट्टा मारना पॉसिबल भी नहीं है, आपको एक प्रॉपर वे में उसे एनालाइज करना पड़ेगा और उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट, रिवाइज एज मच एज पॉसिबल। दोस्तों फर्स्ट टाइम आपकी रीडिंग बहुत ही फास्ट हो जानी चाहिए और उसके बाद मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करेंगे और उसमें जो की पॉइंट्स रहेंगे उसको आपको हाईलाइट करके उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके पास 8 से 9 महीने का करंट अफेयर्स रहेगा तो वो रिमेंबर करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतनी ही आपकी एग्जाम में वो रिमेंबर करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, तो रिवीजन इज द की टू सक्सेस हियर। फोर्थ पॉइंट, रीड इट स्मार्टली। मतलब आपको कुछ माइनर मिस्टेक्स भी मिलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको बेसिकली क्या करना है कि उसमें से पॉइंट्स उठाकर एक स्मार्ट स्टडी उसके ऊपर करनी पड़ेगी। स्मार्ट स्टडी मतलब क्या, वो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे। फिफ्थ पॉइंट, डू नॉट अंडर एस्टिमेट करंट अफेयर्स। दोस्तों करंट अफेयर्स पढ़ते समय आपको ऐसा लगेगा कि इससे अलावा मैं कोई ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी की बुक पढ़ूंगा, लेकिन सीडीएस के जीके पेपर में अगर आप करंट अफेयर्स को निगलेक्ट करोगे तो एग्जाम
क्वालिफाई करने के लिए भी आपको बहुत डिफिकल्ट हो सकती है, तो ये याद रखना। तो करंट अफेयर्स को भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना और एक मैच्योर एस्पिरेंट की तरह आपको उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ना कि सिर्फ एक बुक से ही आप पढ़ रहे हो और उसे रट्टा मार रहे हो। तो दोस्तों ये थे 5 पॉइंट्स जो आप दिशा क्वार्टरली करंट अफेयर से पढ़ोगे। इन तीनों बुक्स की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जहां पर आपको ये बुक्स बहुत ही कम दाम में मिलेगी। दोस्तों ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट देकर जाना, ताकि आने वाले टाइम में मुझे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए एक अलग तरीके का मोटिवेशन मिलेगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद।